बुलंदशहर में मामला बीबी नगर क्षेत्र के सैदपुर बिजली घर के शेरपुर फीडर की जर्जर लाइन का है, जहां आए दिन लोग घटना का शिकार होकर घायल व मौत की आगोश में समा रहे हैं। ब्लॉक बीबी नगर क्षेत्र के सैदपुर बिजली घर के शेरपुर फीडर की जंगल वाली 11,000 की मेन लाइन लगभग 60 वर्ष पुरानी है, जो सैदपुर, परतापुर, सलामत नगर, गंगावली, ताजपुर आदि गांव से होकर गुजरती है, जो अब तक बहुत बुरी जर्जर स्थिति में है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में लाइन से होने वाली घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। लाइन के तार टूटने व नीचे होने की वजह से किसानों के वाहन चपेट में आने से लगभग आधा दर्जन के करीब लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी लाइन से पूर्व में किसानों की हजारों बीघा गेहूं में गन्ने की फसल नष्ट हो गई। इस जर्जर लाइन की वजह से पूर्व में भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन वहीं ढाक के तीन पात समाजवादी पार्टी मूसा चौहान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अधिशासी अभियंता सियाना को शिकायती पत्र सौंप दिया है। भैया, मेरा नाम है फुरकान चौहान, ग्राम गंगावली का रहने वाला हूं मैं। ये जो हमारे यहाँ लाइन जा रही है, बहुत नीची लाइन है, ये जर्जर लाइन है। कई बार हमारा हादसा हो चुका। अब से 4-5 साल पहले 50 बीघे हमारे फूके और बराबर में फूके, यानी कि अब 30 बीघे फूके। कई बार ये हो चुका। हमने सारी मतलब सब जगह शिकायत कर रखी है, हमने बीबी के थाने में सब जगह। और ये भैया, हम तो ये चाहते हैं लाइन ये बदल जावे, सबका नुकसान ना हो और हादसा भी हो सकता है, यहाँ हमें खतरा है इस चीज़ का। सुनने में आया है कई घटनाएं भी इस जगह होती। हाँ, घटनाएं हो चुकी है भैया। एक पीछे बच्चा खत्म हुआ था अभी 10 तारीख में पीछे, समझ गए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि भाई हमारा ये जो लाइन है ये ठीक हो जा, समझ गए, ये आगे नुकसान ना हो। कई बार हादसे हमारे साथ हो चुके, बड़ा हादसा भी होता है, बच्चा भी मर सकता है, कोई बड़ा आदमी खत्म होता है, और फसल तो नुकसान होता ही है हमारा फसल पर। तो देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।